देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए थे, क्वेश्चन नंबर इसमें कौन सा था, अच्छा ये है देखो, शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया था, नंबर ऑफ एटम्स हो गए थे, एफसीसी हो गया था, ये फॉर्मूला वाला बताना आपको। देखो 16 क्वेश्चन है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज क्यूबिक क्लोज पैक्ड सीसीपीएफ, ठीक है, और वो कह रहा है इसमें ऑक्साइड आयन 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल्स। देखो क्या कह रहा है वो, 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज ऑक्यूपाइड बाई डाइवेलेंट मेटल। मेटल का मतलब हुआ ए, ये हो गया आपका, ठीक है, एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाई अ मोनोवेलेंट मेटल बी। बी में क्या रख दिया उसने, ऑक्टाहेड्रल वॉइड रख दिया, ठीक है, और ऑक्साइड है जो, ऑक्साइड क्या हो गया आपका, सीसीपी हो गया। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या गैस कर सकते हो, उसमें आइडिया आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है? ए है टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, बी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। हाँ श्वेता ने सही बताया। निधि सर 1:2:2 वेरी गुड, तुम तो अच्छे हो गए, बताओ बहुत बढ़िया। देखो क्या हुआ, ए है 1/4 इंटू टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, और बी है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और ओ है आपका क्या है, सीसीपी, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एटम सपोज करो एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लो, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, डबल होता है, यानी 4 × 2x हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर दो तो ये 1/2 हो जाएगा, इसको ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 2 से क्या होगा ये 1/2, इसको 1 मान लो क्योंकि x है उसे 1 मान सकते हो, × 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी a का 1, b का 2, o का 2, तो b आंसर। क्लियर है? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 17, बी सी सी कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एंड सेंट्रल एटम। देखो कॉर्नर और सेंट्रल एटम, कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट करता है और सेंट्रल एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, कौन सा ऑप्शन होगा? ये स्टार्टिंग में बताया था आपको मैंने कि सर सर एक फर्स्ट एटम वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है और कॉर्नर कितना करता है। सर फर्स्ट सर वाला एक, सही। हाँ वेरी गुड, फर्स्ट बिल्कुल सही है। अब 18 क्वेश्चन देखो, अच्छा ये नहीं बताया मैंने आपको, जो देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड होता है 8, ये याद कर लेना, कॉम्पिटिटिव में आता है ये, उसमें नहीं आता है बोर्ड में, ठीक है, फिर भी नॉलेज के लिए याद रखना, नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड 8 होता है। अब देखो डेंसिटी वाला क्वेश्चन आ गया, डेंसिटी का आपको पता है, डेंसिटी के लिए एक ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया बस, और वही फॉर्मूला चलता है बस, जितने भी क्वेश्चन आएंगे डेंसिटी के फॉर्मूला एक ही चलेगा, ठीक है, क्लियर है? अब इसमें देखते हैं क्या क्या यस चीजें पूछी हुई है आपको। देखो पहले है देखो एफसीसी, तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं बताओ? फोर सब फोर होते हैं, देखो जेड इज इक्वल टू 4 हो गया। दूसरा उसने कहा आपको एज लेंथ दे दिया, एज लेंथ मीन्स ए दे दिया आपको 404 PM, और ये देखो डेंसिटी cm में, तो हमें पहले pm को cm में चेंज करना है, तो 1 PM इज इक्वल टू 10^-10 cm, अब इसको यहाँ चेंज कर दो, 404 इंटू 10^-10
और यहाँ पे सी एम हो जाएगा, ये ए हो गया। और आपको मोलर मास निकालना है, एम निकालना है, और डेंसिटी आपको दी है 2.78। बस फॉर्मूले में लगा दो, आंसर आ जाएगा। कोई भी चीज ऐसी जो मिसिंग है, सारी चीज गिवन है। देखो डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। डेंसिटी है 2.72, नंबर ऑफ एटम 4, मोलर मास आपको निकालना है, ए है 404 इंटू 10^-10 का होल क्यूब, और एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10^23। 27 ग्राम पर मोल। 27 ग्राम पर मोल सही आंसर है। तो इसका आंसर है 27 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट वन देखो आप, श्वेता आ गया समझ में? यस सर। अब देखो फॉर्मूले का क्वेश्चन है फिर, अब आपको दिमाग लगाना है, अब मैं नहीं बताऊंगा। देखो एम सीसीपी में रखा हुआ है, ठीक, और 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाई एन, ठीक है, तो बताओ क्या होगा फॉर्मूला। देखो एम कहाँ रखा है, सीसीपी में, और एन कहाँ रखा हुआ है, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 × 8। हाँ, तो कौन सा आंसर मैच करेगा इसमें? देखो 3:2 एंड 3:2। हाँ वेरी गुड, तो सही आंसर है। तो समझ में आ गया ना आपको, फॉर्मूले को देख के आप तुरंत उसका फॉर्मूला निकालोगे, किसको देख के? ओके, तो इसका आंसर है M3N2। देखो एम सीसीपी में है और एन है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इसको एक्स मान लो या वन मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा। अब इसको होल नंबर में लाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसे होल नंबर में लाते हो क्या करना पड़ेगा हमें, ये है आपका 1/3 × 2, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 × 1 और हो जाएगा 1/3 × 2 × 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 3:2, तो एम का 3 और एन का 2, तो ये फर्स्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 21, ये तो आसानी क्वेश्चन पूछा है इसने, आपको बोल रहा है कि ए एज लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी कितना, वेरी गुड, क्योंकि इसमें डी निकालना है ना, डिस्टेंस बिटवीन का मतलब डी निकालना, डी इक्वल टू 2r होता है, तो वहां से हम इस फॉर्मूले को निकाल लेंगे, वेरी गुड। अब 22 का बताओ, इसमें भी फॉर्मूला निकालना है आपको, वो कह रहा है बी कहाँ पे रखा हुआ है, एस सी पी या सी सी पी एक ही बात है, और ए रखा हुआ है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स का, इसका फॉर्मूला क्या होगा? हाँ श्वेता राइट आंसर है, निधि तो इसका आंसर आपने सही बता दिया, कि जो एससीपी है इसको एक्स मान लो, तो ये हो जाएगा 1/3 × 2x, जैसा अभी हमने किया था। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 आ जाएगा, तो A2 और B3, तो ये आंसर हो गया सेकंड वन। अब आगे चलते हैं 23 पे, 23 का बताना, ये क्लियर दिख तो रहा है ना?
क्वेश्चन? यस सर, यस सर। ओके, तो आपको ये बताओ कि इसमें क्या गिवन है। पहले देखो एज लेंथ दी है आपको, और गिवन इफ देयर आर फोर मेटल एटम इन वन यूनिट सेल। फोर का मतलब क्या हुआ, ये एफसीसी दे दिया आपको और आपको बोला है आर बताओ और ए दिया है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बताओ। एफसीसी के लिए ए और आर में क्या रिलेशनशिप होता है? इन एफसीसी ए इज इक्वल टू 2R। नहीं, इन एफसीसी ए इज इक्वल टू टू रूट टू आर। इस फॉर्मूले को सबको एक साथ लिखना आपने, ठीक है? आपका सबसे पहला काम यही है कल कि पहले जितने फॉर्मूले हैं, कुछ ही तो फॉर्मूले इसमें, बस एक पेपर में भी नहीं आएंगे सारे फॉर्मूले, उसको लिखना एक साथ, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, देखो हिंट क्या दे दी उसने कि फोर मेटल एटम है वन यूनिट सेल, यानी ये एफसीसी है। एफसीसी में ए इज इक्वल टू टू रूट टू आर। अब आपको ए दिया है, आर पूछा है, इसको फॉर्मूले में रखो और आंसर निकाल। क्लियर है या नहीं है? यस सर। ओके, यस। अब आ जाओ 24 एंड 25 पे। 24, 25, 26, ये तो बहुत क्वेश्चन आसान है, कई बार आ चुका है। बताओ 24 का आंसर, वैकेंट स्पेस इन बीसीसी 32%। 32, 25 का आंसर बताओ, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज। पहला है फ्रैंकल डिफेक्ट इज डी लोकेशन डिफेक्ट, बताओ निधि इसका आंसर क्या होगा, यस है या रॉन्ग है? ये सही स्टेटमेंट है गलत, कि फ्रैंकल डिफेक्ट डिस लोकेशन डिफेक्ट है, यस या नो? यस सर, सही है। सही है, वेरी गुड। दूसरा है जो फ्रैंकल डिफेक्ट है इज फाउंड इन हैलाइड ऑफ एल्कलाइन मेटल, तो ये रॉन्ग। थर्ड है स्कॉटकी डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, स्कॉटकी डिफेक्ट है ये भी गलत है, उसमें डेंसिटी डिक्रीज होती है। और फोर्थ वन फ्रैंकल डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी, नो सर इंक्रीज करते हैं, गलत है। इसमें सेम रहता है, फ्रैंकल में सेम रहता है और शॉर्टकी में डिक्रीज होता है, ठीक है? तो फर्स्ट इज द राइट आंसर ओनली। अब 26 का बताओ, NaCl कौन सा डिफेक्ट शो करेगा और AgCl कौन सा डिफेक्ट शो करेगा? NaCl एंड AgCl सर, NaCl शॉर्ट की और AgCl फ्रैंकल। हाँ, और निधि निधि का क्या आंसर है? निधि आवाज सुन रहे हो आप मेरी? सर फ्रैंकल एंड स्कॉट के डिफेक्ट। हाँ, फ्रैंकल एंड स्कॉट के डिफेक्ट, राइट। पहले का शॉर्ट के डिफेक्ट है NaCl, और AgCl मैंने कहा था Ag का कोई भी प्रोडक्ट होगा हैलाइड के साथ तो फ्रैंकल होता है। Yes. आपकी आवाज नहीं आ रही निधि, मुझे मैसेज करके भेज दो क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप मुझे मैसेज करके भेज दो।
निधि आवाज आ रही है आपको मेरी? क्वेश्चन नंबर देखो 28। ओके, तो अगर आपको कोई भी पूछना है मैसेज भेजो, क्योंकि आपकी आवाज कट जा रही है तो पता नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हो। देखो 28 डेंसिटी का क्वेश्चन है, और डेंसिटी हम कई बार कर चुके तो इससे मैं छोड़ देता हूँ। 29 क्वेश्चन, 29 में देखो आपको रेडियस रेशियो दे दिया, ए प्लस और बी माइनस। अब इसमें से जो बड़ा है उसे नीचे रखना है, और जो छोटा है उसे ऊपर रखना है। अब इसमें से बताओ छोटा कौन सा है? 0.98 इंटू 10 की पावर -10, और बड़ा कौन सा है? 1.81 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, ये हो गया रेडियस रेशियो। अब अगर इन दोनों का आप क्या करोगे, डिवाइड करके आंसर निकालोगे। अब आपको पता है कि इनको डिवाइड करके अगर आंसर किसके बीच में आ गया, 0 से 0.155, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, ये रेडियस रेशियो का है। 0.155 से 0.225 तक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 0.225 से 0.414 तक तो अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर जो रेशियो 0.414 से 0.732 तक होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और अगर 0.732 से 1 के बीच में होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो ये याद रखना आपने, तो इन दोनों का रेशियो किसके बीच में आ रहा है इसको डिवाइड करके देखो, 0.98 अपॉन 1.81, जो इसके बीच में आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 0.54 0.54 आ रहा है, तो किसके बीच में आ रहा है वो? इसके बीच में आ रहा है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। सिक्स हाँ 6, ठीक है। तो ऐसे निकालना आपने, ये आपको बताया नहीं, छोड़ देते हैं। ये फिर आ गया फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ गया। बताओ इसमें जो 31 क्वेश्चन है, एक्स एटम्स एक्यूपाई एचसीपी, यानी एक्स आपने कहाँ रखा है? एचसीपी में, और 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल व्हाइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय वाई, वाई में कितना है? 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल व्हाइट्स, तो फॉर्मूला क्या होगा? ये तो आप खुद करोगे। हेलो, आया आया समझ में? इसका आंसर क्या आया? दोनों तो नहीं हो गए गायब कहीं? सर 2:1 2:1। ओके, और दूसरा आंसर? सर फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, दोनों का आंसर वेरी गुड है ना। इसको एक्स मान लो या वन मान लो, योग्य 1/4 × 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2:1, यानी x2y, तो इसका आंसर फर्स्ट। अब ऐसे ही बताओ 32 का आंसर, थोड़ा फास्ट करने क्वेश्चन को। अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी लैटिस हैविंग अ रेडियस 4 एंगस्ट्रम, तो बताओ एज लेंथ क्या होगा? तो मतलब आपको क्या याद रखना है, ए और आर में क्या रिलेशनशिप होता है बताओ बीसीसी के लिए, ये याद करने पड़ेंगे आपको फॉर्मूले, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बताओ बीसीसी में ए और आर में क्या रिलेशनशिप है? बीसीसी में ए और आर में क्या रिलेशनशिप है? सर √3/4 आर नहीं, 4/√3 आर। हाँ, ये आर सर इज इक्वल टू कहेंगे तो √3/4a, ठीक है, ये यस सर अपोजिट चले जाएगा, ये इधर ये इधर,
अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एज लेंथ और रेडियस दिया हुआ, तो हम पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ए इज इक्वल टू 4/√3, आर की वैल्यू है 4। अब इसको सॉल्व करके निकाल दो, ये तो आसानी है, तो कुछ नहीं करना है, 4 4 16/√3 बस, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए। अब 33 क्वेश्चन, 33 बताओ, 33 में क्या है, इनकरेक्ट बताना आपने कौन सा गलत है। पहला, डेंसिटी डिक्रीज होती है सॉर्ट की डिफेक्ट में, तो इसने ये सही कह दिया। दूसरा, NaCl इज इंसुलेटर, सिलिकॉन इज सेमी कंडक्टर और सिल्वर इज कंडक्टर एंड क्वार्ट्ज इज, ये सही है सारा, ठीक है। जो NaCl सॉलिड में है, देखो तो सॉलिड में होगा तो इंसुलेटर ही होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सर ये सेकंड वाले में क्या लिखा है, सिल्वर इज कंडक्टर, क्वार्ट्ज इज, क्वार्ट्ज इज एक्चुअल में ये आपके पास है नहीं, मतलब सिलेबस में है नहीं ये, अच्छा इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं, ये थोड़ा कॉम्पिटेटिव में आ जाता है, उसे भी बता दूंगा मैं आपको, जैसे हम कोर्स खत्म करते हैं तो मैं आपको कॉम्पिटेटिव लेवल भी बता दूंगा। तो फ्रेंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोस एनिक कंपाउंड इन विच द साइज ऑफ कटैन और एनायन आर ऑलमोस्ट सेम या इक्वल। फ्रेंकल डिफेक्ट में दोनों का साइज सेम होता है क्या? नो सर, अलग अलग होता है अगर हाँ, उसमें साइज में उसमें। बड़ा डिफरेंस होता यस है ना, सर, तो ये रॉन्ग है। अब फोर्थ वाला, एफ ई, ये एफ ई है और ये लिखा है ऑक्सीजन 0.98, तो ये कह रहा है ये नॉन स्टोइकोमेट्री में मेटल डेफिशिएंट है क्या, ये क्या मेटल डेफिशिएंट है? हाँ, नो सर, ये मेटल डेफिशिएंट नहीं है। निधि बताओ, एफ ई ओ 0.98 मेटल डेफिशिएंसी को शो करेगा या नहीं? नो सर। हाँ, तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों गलत, ये कब शो करता, जब ये लिखा होता है एफ ई 0.98 ऑक्सीजन, तब ये मेटल डेफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें मेटल कम है ये ज्यादा है नॉन मेटल, तो इसे मेटल डेफिशिएंट कहेंगे। अब आ जाते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, बोल रहे हो किसकी ज्यादा हो बताओ, इन चारों में से पैकिंग एफिशिएंसी मैंने आपको बताया हुआ है, किसमें आप टिक करोगे? बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 2 3 4, एचसीपी कौन सा वाला, 1 2 3 या फोर? सर, डी वाला, फोर्थ। फोर्थ वाला, बिल्कुल सही कहा। देखो एससीपी, सीसीपी या एफसीसी, इन तीनों का सेम होता है, एससीपी सीसीपी या एफसीसी, तीनों का सेम होता है। उसके बाद इसका 74% हो गया, बीसीसी का होता है 68%, और जो सिंपल होता है इसका कितना होता है 52.4%, पॉइंट तो फोर इसका मतलब फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अब है आपको ये है 35, देखो एक्स को कॉर्नर में रखा आपने और वाई को कहाँ रखा है, फेस सेंटर में रख दिया, ये है आपके पास, आपने इसको रख दिया कॉर्नर पे, ठीक है, और इसे कहाँ रख दिया, फेस पे। तो बता, बोलो, वो क्यों पूछ रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना होता है, अगर आपने फेस में रख दिया तो इससे कितने एटम टच कर रहे हैं? सर 1/2। नहीं, 35 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितने एटम टच कर रहे हैं, अगर 4 एटम कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, 5 एटम करें तो 5 हो जाएगा। एक कॉर्नर से कितने एटम टच करेंगे? 8 8।
और फेस वाले के साथ सर सिक्स। 6 करेंगे। ठीक है, इसका आंसर 8 and 6। आप क्वेश्चन नंबर 9 भी डेंसिटी वाला ही मेरे ख्याल से। हाँ, डेंसिटी का ही है, तो इसे छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो 37 क्वेश्चन को देखो आप। अब इसके बाद एसर्शन रीजन भी आ जाएंगे क्वेश्चन, जो आपको दिक्कत करते हैं ना, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। एफ सेंटर में बताओ क्या होता है। 37 क्वेश्चन। एफ सेंटर, एफ सेंटर इज प्रोड्यूस ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अक्यूपाइड एनायनिक वैकेंसी, या मोनोवेलेंट आयन इज रिप्लेस्ड बाय डाइवेलेंट आयन, करंट एंड या इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड आयनिक वैकेंसीज। हाँ आप बताओ श्वेता। सर थर्ड वाला। थर्ड वाला, आयन्स यस प्रेजेंट इन कैटायनिक वैकेंसी। यस इसका सर। आंसर निधि ने सही बताया, फर्स्ट वाला। देखो एफ सेंटर का मतलब इलेक्ट्रॉन सर जो एनायन अनपे, हाँ वैकेंसी। एनायन वैकेंसी की वजह से होता है। ठीक, एनायन वैकेंसी की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है। एनायन वैकेंसी आपने एक बार पूछा भी था, इसे दोबारा बता दो, जिससे एफ सेंटर यस प्रोड्यूस होता है और इसकी वजह से कोई भी चीज कलर हो जाता है। ये वाला एग्जाम्पल मैं देना भूल गया था आपको, 38 का, ये बोर्ड में भी पूछा जाता है, मुझसे मिस हो गया वहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर ZnO। अब देखो ZnO में क्या होता है, ZnO को आप हीटिंग करोगे तो ये बनता है Zn2 प्लस प्लस हाफ O2, और इससे दो इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं। ठीक, अब इससे दो इलेक्ट्रॉन निकल गए और ये प्लस भी आ गया, तो बताओ ये किस तरीके का डिफेक्ट शो करेगा। पहला है इम्पार्ट कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, दूसरा ऑन हीटिंग इट सर टर्न्स ऑन येलो, हीटिंग इट टर्न्स येलो हाँ, सेकंड और तीसरा है ZN कैन रिड्यूस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, और चौथा तो हो ही नहीं सकता। हाँ आप बताओ वाला। एफिस सर सेकंड कौन वाला। सा। सेकंड वाला ऑन हीटिंग इट टर्न्स येलो। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि जैसे ही आप ZnO को, ये कलरलेस होता है इन जनरल, ठीक है, ये क्या होता है कलरलेस होता है, वो कहता है जैसे आप इसे हीटिंग करोगे तो हीटिंग करने से येलो कलर में क्यों कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सर हाँ, इसमें ये क्या होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शो करता है। देखो ZnO को हीटिंग करेंगे तो ये Zn2 प्लस होता है और इसमें हाफ O2 होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे एफ सेंटर नहीं होगा, ध्यान रखता है, यहाँ पे होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। देखो ये एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएगा इंटरस्टिशियल साइट में और ये इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो येलो कलर शो करता है। ठीक है, इसमें एफ सेंटर नहीं आएगा। एफ सेंटर कब आता है, जब कोई एनायन निकल के बाहर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कैटायन बन रहा है। ठीक है, तो कैटायन के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, तो उसका एग्जांपल था। सर वो मेरे से मिसिंग हो गई थी, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी 2-3 बार पूछा हुआ है, तो इसका आंसर है ऑन हीटिंग इट टर्न्स येलो। अब 39 क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है इसमें से, SO2 या SI, C या ग्रेफाइट या ZnS? सल्फर ऑक्साइड सर। SO2, वेरी गुड। देखो जो ये कार्बाइड होते हैं, सिलिकॉन या कार्बाइड, ये कोवेलेंट में आते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। ZnS होता है जिंक सल्फाइड, ZN में 2 प्लस, इसमें माइनस, तो ये आयनिक में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें SO2 गैस हो गई, तो ये मॉलिक्यूल होती है और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में आ जाएगी। अब है 40 क्वेश्चन। अब इसमें भी फॉर्मूला निकालना है, तो ये तो आप आराम से कर ही लोगे, ये तो आपने कई बार किया हुआ है। ठीक है, तो 40 हम फिनिश कर देते हैं, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आप देखो थिंकिंग लेवल है, देखो एनालिटिकल कॉन्सेप्ट, ये भी आएंगे अब, क्योंकि अब पेपर अगर आपको आता है तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर दो, क्योंकि टिक मार्किंग है बस, 1 2 3 4 ABCD लिखना है आपने बस, और कुछ नहीं करना। तो एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे, आप सोचने के लिए आएगा आपके पास। तो पहला है देखो,
परसेंटेज वॉल्यूम, ये तो कई बार आपने किया हुआ है, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, 68%। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससीपी 3D के लिए बताना है कितना होगा। 12 12 सर, पूछा, 12 12, वेरी गुड। थर्ड वन बताओ, देखो लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट सभी के BC। और आप बताओ। सर, सेकंड वाला BCC। BCC, वेरी गुड। और इसके बाद नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट NaMgR क्रिस्टलाइजेस इन BCC एंड FCC। देखो ये Na है BCC का, ये फर्स्ट ग्रुप का है, देखो फर्स्ट ग्रुप है Na, तो कह रहा है BCC, और Mg सेकंड ग्रुप का है, ये हो गया FCC। ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ एटम। अब आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब आपको बताना है BCC में नंबर ऑफ एटम कितने हैं और FCC में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, कौन सा आंसर सर, होगा। BCC में 2, FCC में 4। हाँ, BCC में 2 होता है, FCC में 4 होता है। देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हो, वो ये नहीं पूछ रहा, बोला Na और Mg को घुमा दिया उसने क्वेश्चन को। ठीक है, और ये भी फिर फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो हम बहुत बार कर चुके हैं। हाँ, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है, चलो इसे देख लेते हैं। देखो FCC है एक्यूपाइड कॉर्नर, देखो ए कॉर्नर पे रखा हुआ है, याद रखना, बी फेस पे रखा हुआ है। ठीक है, ए कॉर्नर पे, बी फेस पे, लेकिन क्या कह रहा है वो कि वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग फ्रॉम वन फेस सेंटर्ड, एक हट गया, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा। सर, 2:5 2:5, आप बताओ। यस सर, मेरा भी यही आ रहा, 2:5 वेरी गुड, ऐसे ये कर लेना। देखो सब फॉर्मूला ये मैं बता देता हूँ, ये भी मैं भूल गया आपको बता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया तो मैं बता देता हूँ आपको इसका, इसमें क्या होता है। देखो 7 क्वेश्चन में, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट मेटल ऑक्साइड वाज, देखो ये फॉर्मूला, तो ये मेटल डेफिशिएंट है क्योंकि इसमें मेटल कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, तो मेटल डेफिशिएंसी। अब वो कह रहा है कि इसमें दो वैलेंसी है, Mn2+ और M3+ है। ठीक है, तो इसमें फ्रैक्शन बताना, अब कैसे निकालेंगे। देखो तो हमने क्या किया कि हमें पता है कि M की 2 वैलेंसी है, एक है M2+ एक है M3+। तो सपोज मैंने कहा 2+ वाले मेरे पास X है, तो 3+ वाले कितने होंगे, तो इस कंपाउंड को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, M98, ऑक्सीजन 100 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, 98 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि M टोटल कितना है, 98 है। ठीक है, तो मैंने कहा 2+ सपोज एक्स है, तो 3+ कितना हो जाएगा, 98 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखो टोटल प्लस चार्ज कितना होगा, टोटल प्लस कितना हो जाएगा, 2+ वाले एक्स हैं यानी 2 × x हो गया, और 3+ वाले कितने, 98 माइनस एक्स है, तो 3 × 98 माइनस एक्स, अभी टोटल प्लस चार्ज हो गया, इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, तभी तो ये माइनस, तभी तो क्या है, ये न्यूट्रल है। अब ऑक्सीजन यस की सर, वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, और ऑक्सीजन के टू कितने एटम है, 100 है, तो हंड्रेड जितना प्लस उतना ही नेगेटिव। अब यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो निकाल लेंगे हम एक्स की वैल्यू, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको, टोटल प्लस यस चार्ज सर, इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको और सॉल्व करते हैं, 2x+3 × 98 माइनस एक्स इज इक्वल टू 200, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x+8 × 3 = 24, 9 × 3 = 27 + 2 -3x इज इक्वल टू 200। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, जब टाइम खत्म हो रहा है आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पर। यस सर।